हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल तौफिक चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीओ के वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपरली आप अपने मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन को सही से यूज़ करने का तरीका यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। न्यू अपडेट आया है, न्यू अपडेट के बाद आप कैसे यूज़ करोगे ये मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो का आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट कर लेना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखा देना। एप्लीकेशन को पूरा प्रॉपरली ओपन होने देना है, थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट कर लेते हैं। फिर दोस्तों एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो नीचे की तरफ देख सकते हैं एक बड़ा सा होम बटन मिल जाता है टैप टू कनेक्ट का, उसी के नीचे यहाँ पर आपको वीपीएन सर्वर के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो होम बटन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको वीपीएन ऑटोमेटिकली भी रेंडम सर्वर के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अंडे के आकार का आपको एक बटन दिखता है, इस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वीपीएन ऑटोमेटिकली भी कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो नीचे की तरफ FR2 का ऑप्शन मिल रहा है वीपीएन सर्वर का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ सर्वर मिल जाते हैं, यहाँ से कोई भी सर्वर पर क्लिक करके इजीली दोस्तों आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि डेमो के लिए यहाँ पर मैं एक सर्वर पर क्लिक कर लेता हूँ, यूके का सर्वर है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर इस तरीके से यहाँ पर आपकी कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। पूरा प्रॉपरली यहाँ पर आपको इसे कनेक्ट होने देना है, बैक बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, तो आपका डिसकनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बता देता हूँ कि मेरा वीपीएन यहाँ पर कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरा वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। देख सकते हैं नेटवर्क के अंदर रिजल्ट आ चुका है, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इस तरीके से आपको कनेक्ट होने के बाद इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसे अगर आप यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ईजिली आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है, सही से यूज़ करने का तरीका भी बता दिया। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।